れてるよ。अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अपनी जो प्यारी फैमिली है वो सारी ठीक होगी और अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। तो चलते हैं, कर दें आज की इस नई वीडियो की शुरुआत। और आज की इस वीडियो की शुरुआत ना भाई, ऐसे कुछ किसी खास जगह पे नहीं जा रहा हूँ, तो आज थोड़ा सा काम है मुझे अनंतनाग में, तो वहाँ पर जाके मैंने सोचा आपके लिए भी एक शॉर्ट सा वीडियो, मतलब छोटा सा वीडियो बना लेंगे। तो अभी शुरुआत करें, अभी शायद 11 बज गए हैं, ठीक है नहीं, हाँ 11 बजे हैं। तो 11 बजे मैं घर से निकला था, तो अभी चलते हैं यहाँ से। और आज मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो चलते अभी यहाँ से, ऊपर से धुंध भी बहुत ही ज़्यादा है। तो नई वीडियो की शुरुआत, तो चलते हैं अभी, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, तो देखते हैं आज की किस्मत में क्या लिखा होगा और वो ज़रूर आप लोगों से शेयर करेंगे, और एंड तक ज़रूर बने रहना, ठीक है। तो चलते हैं। सो ये रही अपनी 220, अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और हो गई है। ये रखिए, ये आगे वाला जो फ्रंट नंबर प्लेट है ना, वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रख दिया है, ठीक है। कि यहाँ पे इस पर 2 स्क्रू मैंने लगा दिए, फ्रंट वाली मड़गाड़ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि अपनी जो जान है वो क्या है, ठीक है। तो चलते हैं अभी यहाँ से। बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह। सो आज ना मेरी जान बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, ऐसे भी थोड़ा बिजी था मैं संडे के दिन, अक्सर मैं संडे को जाता हूँ राइडिंग पे, राइड करने पे। और भाई मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा बिजी था, उसकी वजह से मैं नई वीडियो बना पाया, ठीक है। तो आज मैंने सोचा अभी थोड़ा सा काम भी है और एक छोटा सा ब्लॉग भी बना देते हैं, तो मैंने सोचा एक प्यारा सा व्लॉग बना देते हैं तो आप लोगों के लिए, ठीक है। सो अपनी बाइक में जो फ्यूल व्यूल था वो हो गया है, इसका जो खाना पीना था वो हो गया, ठीक है। बाकी तो ट्रैफिक जाम बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम इस एरिया में होता है, हद से भी ज़्यादा। सर्दी यार, आजकल सर्दी बहुत ही ज़्यादा होती है। अरे तेरी यार, ये कैसे चला रहा है भाई, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, पता नहीं क्या चक्कर है। आगे कैंप भी है, वो भी शायद चेकिंग भी चल रही होगी, ऐसे नहीं पता क्या चक्कर क्या है। भाई से आगे पूछते हैं क्या मसला है। अपने पास ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी ऊबर वाला जाने क्या। यहाँ पे तो कोई पकड़ता ही नहीं है, क्या चक्कर, शायद इधर है। विदाउट हेलमेट के जो भी बंदे होते हैं ना, उनको पकड़ लिया उसमें। ओ भाई, बगैर हेलमेट के निकलना नहीं चाहिए बंदे को घर से। ये लोग भी आपकी सेफ्टी के बारे में बोलते हैं, अल्लाह ना करे अगर कहीं पे कोई हादसा हो जाए। तो भाई हेलमेट होता है बहुत ही अहम, इससे आपकी जान भी बच सकती है, ठीक है। तो शायद आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो में देखा ही होगा, उस टाइम शायद इस ब्रिज की काम चल रहा था, जो रास्ता वहाँ पे इन्होंने ब्लॉक करके रखा था, वहाँ पे रास्ता बंद करने का कारण शायद इसी ब्रिज का था। उस टाइम शायद यहाँ पे काम चल रहा होगा, तो उन्होंने ये यहाँ से बंद करके रखा था, फिर गाड़ियों को उधर से चक्कर लगाने पड़ते थे। Oh.
अभी देखो यहाँ पे एक और गाड़ी वाले पकड़ा है यार। अनंतनाग में आना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे हर किसी की जगह पे पुलिस रहती है, हर किसी जगह पे ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस, जहाँ पे भी जाओ ना पकड़ के ही छोड़ दे। रश यहाँ के मार्केट में ना बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे संडे हो या और कोई दिन, हमेशा भाई साहब रश तो यहाँ का मतलब कभी कम ही नहीं होता है। इतनी सारी पब्लिक, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होती है यहाँ पे। रश यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है यार। वैसे यहाँ पे ज़्यादा तेज़ भी नहीं भगा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है ना वो रोड के बीचों बीच चलती रहती है। अब ये चीज़ें करो यार, अचानक कोई भी आ सकता है, इसकी वजह से भाई मेरे थोड़ा धीमे चलना पड़ता है। अभी यहाँ से हमको क्रॉसिंग करनी है अंदर की ओर, ठीक है, यहाँ से अंदर हमें जाना है। यहाँ पे हमें अपने मम्मी के लिए दवाई लानी पड़ती है यार। सो फाइनली अपने को जो मम्मी के लिए दवाई लानी थी वो मैंने ले ली है। ये दवाई लाने के लिए यार यहाँ पे आना पड़ा इतना दूर। अपनी बाइक को शादी में भगाना ना भाई साहब, क्या ही बोला, क्या खींचती है, जबरदस्त, एक नंबर है। बच्चे को देखो हाथ से दिखा रहा है गाड़ी में बैठ के, शायद इसका कोई है उसमें, हाथ से मुझे दिखा रहा है। स्टैंड स्टैंड करो, नहीं मेरी जान यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते, ये कह रहा है मुझे तो स्टैंड कर। रियली तो देखो भाई मेरा वीडियो बना रहा है, ये बंदा फोटो ले रहा है, वीडियो बना रहा है शायद। वो छोटू बता रहा है मुझे रियली करो यहाँ पे, यार मेरे को क्या बोलूँ, मेरे को करनी नहीं आती, और यहाँ पे करे थोड़ी। बाय बाय। बंदा वीडियो बना रहा था, भाई ये सब चीज़ें देखने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है बंदे को, क्योंकि कोई आपको जाने और रास्ते भी मिलेगा, ऐसी खुशी तो भाई नेक्स्ट लेवल की मिलती है। फिर छोटू मुझे बता रहा था तू तो व्हीली कर, भाई मेरे को व्हीली करना आता नहीं है, ठीक है भाई सीखेंगे ज़रूर, सीखना तो बनता है मेरी जान। भाई या तू आगे जा या मुझे छोड़ आगे, ना खुद जाता है आगे ना मुझे जाने देता है यार। ये देखो रास्ता खुला है, अभी ये ऐसा बंदा है यार,
है तो भाई एक नंबर की। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूं घर पे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ मैं कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरी यार वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो बाकी यार मेहनत तो करता रहता हूँ, बस बाकी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा भाई मैं मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि जब देखता है बंदा अपनी वीडियो बनाने में, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।